यूं ही नहीं मिलती मंजर राही को, कुछ जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नर सेवा नारायण सेवा, तो जो कार्य आपने किया है कि कुछ लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, वहां जाकर माथा टेकते हैं, और जो कम फीस लेकर आप ये गंगा स्नान कर रहे हैं, ये रियासी में बहुत बड़ा एक काम आपने किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय सुरेश जी, पारस जी और इनके सुरेश जी के परिवार के सारे सदस्य और जितने भी हमारे यहाँ मेडिकल के लोग यहाँ पे हैं और मीडिया के बंधु, सबसे पहले तो मैं सुरेश जी को और इनके परिवार के लोगों, सभी सदस्यों को मुबारकबाद देता हूँ, जो आज यहाँ पे इन्होंने आर्या डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम पे जो आज यहाँ पे हाईटेक लैब, मैं कहूँगा कि यहाँ पे खोली है। जैसे हम तो टेक्निकली इतना नहीं जानते, लेकिन डॉक्टर साहब ने जितनी डिटेल से प्रीतम जी ने बताया कि ये एक मॉडर्न, अगर हम बात करें तो हाई टेक लैब, जो लेटेस्ट जिसमें टेक्नोलॉजी है, डिजिटल एक्सरे की मशीन अवेलेबल है, अल्ट्रासाउंड की बात करें तो 12 लेवल के लिए सुरेश जी का, क्योंकि ये काफ़ी मेहनती है, मैंने देखा है इनको और इन्होंने मेहनत से ही ये सारा खड़ा किया है। इनके साथ पारस जी भी बहुत ही मेहनती है, और छोटी सी बात से मैं सुरेश जी से मोटिवेशन लेता हूँ, ये शेयर करते हैं तो मुझे भी जोश आता है। तो कहते हैं जूं ही नहीं मिलती मंजर राही को, कुछ जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो सुरेश जी ने तिनका तिनका करके मेहनत से ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। जो आज रियासी में आर्या डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से जो लैब आज खुली है, ये इसके लिए मैं सुरेश जी का, जो इसके प्रोपराइटर हैं, साथ में ही हमारे पार्समनी इनके साथ हैं, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, इनके परिवार के सदस्यों को मुबारकबाद देता हूँ। ये एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी जो है ये रियासी में आज अवेलेबल हुई है। ये हाईटेक मॉडर्न जो है ये एक लैब है, जिसमें डिजिटल एक्सरे की फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसमें अल्ट्रासाउंड जो है एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन है, वो यहाँ पे अवेलेबल है, और लैब जो है ये भी हाईली, जो इस समय हमारी हाई ग्रेड जो कहूँगा कि टेक्निकली अगर देखें तो वो सारी मशीन जहाँ पे अवेलेबल है। तो यही कहूँगा कि यहाँ बड़ी अच्छी फैसिलिटी एक रियासी के लोगों को इस लैब में मिलेगी। बिल्कुल डेवलपमेंट का एक कदम है रियासी में, और जैसे भी मोदी जी भी अक्सर कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ हमें जाना चाहिए, तो ये उसकी एक जीती जागती एक एग्जाम्पल है, जिसमें काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी इसमें मिलेगी और एक अच्छी फैसिलिटी, जिसके लिए हमें कई बार यहाँ से जम्मू जाना पड़ता था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पे ही रियासी में ही अच्छी फैसिलिटी जो है अवेलेबल। ये जो अब नई मॉडल लैब खुली है, वैसे तो फैसिलिटी हॉस्पिटल में तो है ही है, लेकिन कुछ लोग जो हैं, हर इंसान जल्दी इमीडिएटली भी चाहता है, तो अब मुझे ये लैब खुलने से ये हो जाएगा कि अब लोगों को बाहर जाने के बजाय यहाँ पे जो है एक अच्छी फैसिलिटी जो है वो यहाँ पे अवेलेबल, अल्ट्रासाउंड जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे इन्होंने बताया कि हर अल्टरनेटिव डे पे यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल होगा अल्ट्रासाउंड का, तो वो एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी है। तीसरा, जो टेस्ट है, हर प्रकार के टेस्ट जो हैं वो इस
हाईटेक लैब में अवेलेबल हैं और वो सारे टेस्ट जो हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। राइना में है, दूसरे नंबर पे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और तीसरे नंबर पे वो ईसीजी जो 12 लेवल मशीन है वो यहाँ पे है। रेट्स भी इनके जैसे मुझे बताया गया बड़े रीजनेबल रेट्स हैं और बड़े मतलब कि वैसे भी सुरेश जी बड़े ऑपरेटिव है और मुझे पूरा उम्मीद है कि लोगों को बहुत अच्छी यहाँ ये है सुविधा मिलने वाली। पहले भी कहता हूँ ये बड़े मेहनती और हार्ड वर्कर हैं। मैंने पहले भी एक छोटे से शेयर में इनसे कहा कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल, राही को कुछ जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो इन्होंने तिनका तिनका इकट्ठा करके मेहनत से ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है जिससे लोगों को मेडिकल फैसिलिटी तो मिलेगी ही मिलेगी, उसके अलावा लोगों को एक अच्छा यहाँ जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ डॉक्टर प्रीतम जी जो है इसको जो है एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको देख रहे हैं, तो उनका बड़ा एक्सपीरियंस है। हॉस्पिटल को भी खड़ा करने में रियासी में मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है कि आज अगर रियासी हॉस्पिटल में इतनी फैसिलिटीज़ हुई हैं, अगर आज डायलिसिस यूनिट वहाँ पे खुला है, आज सीटी स्कैन वहाँ पे जो लगी है, आज हमारा जो है ब्लड कलेक्शन सेंटर वहाँ पे तैयार होने जा, ये ऑक्सीजन प्लांट तो दो लगे हैं, तीसरा जो है लिक्विड ऑक्सीजन का वो भी प्रपोज्ड है और बड़ी जल्दी। वो कहने का मतलब कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो इमीडिएटली नहीं होती, ये इनके द्वारा कदम शुरू किए गए थे, आज ग्राउंड में वो कदम आके इम्प्लीमेंट हुए हैं। कोई भी चीज़ जो है बड़े टाइम से वो जब प्रपोज की जाती है टाइम लगता है, लेकिन आज हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहुत अच्छा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसमें अगर मैं कहूँ तो डॉक्टर प्रीतम जी का उसमें बड़ा योगदान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इनके नेतृत्व में, इनकी गाइडेंस में, और सुरेश जी वैसे भी बड़े कॉपरेटिव हैं, तो ये एक अच्छा यहाँ पे रियासी को लोगों के लिए फैसिलिटी। इसमें ना हमें स्कैनर की जरूरत होती है ना इसमें सिर्फ हमें यहाँ से सारा सिस्टम है, यहाँ से हमें एक्सपोजर मारना है, वो उसकी एक्सरे की प्लेट है, उसमें बैटरी चलती है, बैटरी और वो वाईफाई के जरिए चल रही है, इसका वाईफाई यहाँ लगा हुआ है, ये वाईफाई है, इसका वाईफाई के जरिए है, फोटो खींचता है वाईफाई के जरिए, यहाँ से हम एक्सपोजर मारेंगे, उसके ऊपर पेशेंट का चाहे फूड का एक्सरे और फास्ट का एक्सरे उसके रखेंगे, उसके बाद यहाँ से एक्सपोजर मारेंगे। ये फ्लोर है पेशेंट के लिए बैठने के लिए, इसमें पेशेंट को लेटा के या बैठ के एक्सरे करेंगे, इमेज आ जाएगी, हमने एक्सपोजर मारा, उसके बाद ये पेशेंट की इमेज आ जाएगी। फुल्ली एडवांस डिजिटल DR यूनिट है एक्सरे का, और ये इसका मॉनिटर है, ये इसका प्रिंटर है, यहाँ से एक्सरे प्रिंट बाहर 1 मिनट के अंदर एक्सरे का प्रिंट बाहर आ जाएगा।